स्टूडेंट माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 18 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन आज का एक छोटा सा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे क्या व्हाट इज मीन बाय एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार करता है, जबकि आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन तैयार नहीं करता। ठीक है ना, तो पहले आप समझ लो, कंसेप्ट के थ्रू समझाता हूं मैं आपको डेफिनेशन। देखिए, हाँ मान लीजिए हमने यहां पर यूज किए, इसमें मैंने यहां पर यूज किया वाटर, थोड़ा ध्यान से देखना आपने, और वाटर को हमने कंबाइन किए इथेनॉल के साथ, दैट इज इथिल अल्कोहल। यहां यूज किया हमने वाटर और यह है इथेनॉल। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का है 78.37 डिग्री सेल्सियस। दोनों को हमने मिक्स किए, मिक्स करने पर ऐसा सॉल्यूशन तैयार हो गया, ध्यान से देख लिया, है ना, वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर तैयार हो गया, जिसमें वाटर प्रेजेंट है 4.03% और इथेनॉल प्रेजेंट है 95.97%। हो रहा है कैंडिडेट? हाँ हो गया सर। ठीक है ना, और इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये है 78.15 डिग्री सेल्सियस। बराबर है, देखिए सबसे पहले हमने यहां पर यूज किया बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन आप किसको बोलेंगे? क्या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, बराबर ना। तो यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन ने एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन तैयार किया। मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताया अभी, देखिए पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट ये है क्या आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है ना, आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन तैयार नहीं करता। ठीक है ना, थर्ड है क्या नॉन आइडियल सॉल्यूशन मे बी फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार कर सकता है। ठीक है ना, अब यहां पर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन क्या रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखना आपने। मान लीजिए मैंने यहां पर वाटर यूज किया और इधर यहां पर मैंने यूज किया अल्कोहल मींस इथेनॉल, दोनों को हमने मिक्स किए। यहां मैं आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताया 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का मैं बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया 78.37 डिग्री सेल्सियस। ये आपको रटने का काम नहीं, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। दोनों को हमने कंबाइन किए, है ना, कंबाइन करने पर मान लीजिए आपकी यहां सॉल्यूशन जो तैयार हुआ है ना, जिसमें वाटर प्रेजेंट है 4.03% और इथेनॉल प्रेजेंट है 95.97%। लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाले तो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया 78.15 डिग्री सेल्सियस। बराबर है, मींस देखिए दो सॉल्यूशन विच आर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल्स होते हैं विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, लेकिन उसके लिए अगली कंडीशन उसने ये बताया कि इसके कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आना। मतलब यहां पर वाटर का जो कंपोजिशन है 4.03% ये फिक्स चाहिए,
और इथेनॉल का जो कंपोजिशन है 95.97% ये फिक्स चाहिए, बराबर है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या रहेगा, देखिए आप इसका डेफिनेशन, दोज सॉल्यूशन विच आर बॉइल्स एट, दोज सॉल्यूशन विच आर बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या फिर पर्टिकुलर टेम्परेचर, दो सॉल्यूशन विच आर बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, लेकिन आगे इसने कंडीशन ये बताया विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, अगली कंडीशन ये बताया कि इसके कंपोजिशन में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होना, दैट इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे आप उसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए, मैं और दो तीन एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ कंपोजिशन के साथ में, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 78.15 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बी फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही है ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार कर सकता है। यहां पर अगर आप इसको डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट अगर करना चाहे तो यहां पर हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। क्या मान लीजिए क्या यहां पर वाटर को और इथेनॉल को हमारे को सेपरेट करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या रहता है, क्या बताइए, सेपरेशन ऑफ टू और मोर लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, बराबर। मतलब जहां पर हम दो या उससे ज्यादा लिक्विड को सेपरेट करते हैं, लेकिन कब, जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा डिफरेंट हो, अलग अलग हो। रियल में यहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, और देखिए आप क्या यहाँ पर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना चाहिए था, बट वी कैन नॉट सेपरेट इट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद रखिए। क्या यहां पर हम, ठीक है ना, मीन्स इथेनॉल को और वाटर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिफ्थ पॉइंट है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट इट कैन बी सेपरेटेड बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। लेकिन यहां हम इसको सेपरेट कर सकते हैं किससे, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। ध्यान से देखिए, मैं आपको फील करवा रहा टॉपिक और ये अच्छा मजा आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये जो जितने पॉइंट्स मैं बोर्ड पर लिखा, ये आपको सारे, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए क्या? नंबर वन क्या बताया मैंने आपको, क्या बाइनरी सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन तैयार कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये है क्या, आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब यहां पर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तैयारी नहीं करता एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। थर्ड पॉइंट ये है क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मे बी फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तैयार करेगा, है ना। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन आपको फील हो गए क्या? मान लीजिए आपके मैंने इसके अंदर इथिल अल्कोहल और वाटर यूज किया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस और इथिल अल्कोहल का है 78.37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। मिक्स किया हमने इसको, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन लिए, बराबर है। मतलब बहुत मैनी टाइम्स इसके प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, बाद में पता चला क्या, अगर हम यहाँ पर वाटर का कंपोजिशन 4.03% और इथेनॉल कितना परसेंट यूज करेगा बताइए, 95.97, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर मिक्सचर बॉइल होगा, बराबर है ना। मींस देखिए, जबकि यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग था, इसका अलग था, होना तो ये चाहिए था कि यहां पर इथिल अल्कोहल पहले बॉइल होना चाहिए था और वाटर बाद में, ठीक है। लेकिन जब यहां पर हम इसका कंपोजिशन फिक्स अमाउंट मिलेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 4.03% और ये 95.97%,
ठीक है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल्स होगा विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, क्योंकि यहां पर इसने कंडीशन ये बताया कि कंपोजिशन में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स दो सॉल्यूशन विच आर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, है ना, कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप इसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। कल से समझ में आएगा। इसके बाद देखिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहां पर हम दो या उससे ज्यादा लिक्विड को सेपरेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, बट बोथ या फिर टू और मोर लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। कौन सी लिक्विड को हम मतलब प्यूरिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। अब होना तो ये चाहिए था क्या, यहां पर हम इस लिक्विड को सेपरेट कर लेना चाहिए था, बिकॉज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है ना और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए एक नया मेथड है, दैट इज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। अब जितना मैंने समझाना चाहिए था उससे अच्छा और समझा दिया, अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, देखिए कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के दो टाइप्स है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब दो टाइप्स क्यों बन रहे वो बता रहा मैं आपको, ध्यान से देखना। फर्स्ट है इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक है हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करेंगे, देखिए क्या यहां पर ये कंपोनेंट्स यूज किए हमने, वाटर और इथेनॉल, और यहां पर ये है सॉल्यूशन, बराबर ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम है किससे, कंपोनेंट से, मींस वाटर से और इथेनॉल से, बराबर है। तो ये रहेगा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ में आ गया क्या बोला, तो क्या यहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा एज कंपेयर टू कंपोनेंट्स, बराबर है। और लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, है ना, इन रॉल्स लॉ, बराबर है। और रॉल्स लॉ में ये कौन से वाला डेविएशन शो करेगा, याद होगा आपको कैसे पहले के लेक्चर में जो हमने पढ़े थे, ठीक है ना, कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, बराबर है। तो क्या बता मैंने आपको, लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शोस पॉजिटिव डेविएशन, और हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो, है ना, कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। तो अब इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले आप एक काम कीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हाँ नोट कर लो इसको। चलिए देखिए, हाँ टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, कितने टाइप्स है इसके, दो। नंबर वन है इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक है हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, बराबर है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में यहां पर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है वो लो बॉइलिंग पॉइंट देन, बराबर है, किससे, कंपोनेंट्स, दोनों भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता एज कंपेयर टू कंपोनेंट्स, याद रखिए। देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर कम है एज कंपेयर टू कंपोनेंट्स, ठीक है ना। लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो मींस सेकंड, इसमें रोमन में फर्स्ट डाल देते, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन
in राउल्स लॉ. राउल्स लॉ में ये कौन सा वाला डेविएशन बताएगा? पॉजिटिव डेविएशन. इट शोज पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्स लॉ, है ना? यहां पर ये राउल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन बताएगा, ठीक है ना? तो इसका एग्जांपल नंबर वन है. एग्जांपल नंबर वन, वाटर प्लस इथेनॉल, ठीक है ना? तो ये वाटर इथेनॉल का मिक्सचर तैयार हो गया, वहां लिखा मैं बोर्ड पर, ठीक है ना? देखिए यहां पर क्या होगा, क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.337 डिग्री सेल्सियस. दोनों को हमने कंबाइन किए, कंपोजिशन फिक्स है जो लिखा है बोर्ड पर, कितना 4.03% वाटर है और इथेनॉल 95.97%, है ना, इथेनॉल. और इसका बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का 78.15 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहां पर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम रहता एज कंपेयर टू कंपोनेंट्स, ठीक है ना? लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यहां पर कंपोनेंट्स का, है ना, थर्ड क्या, कंपोनेंट्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन, है ना, सॉल्यूशन. यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ये ज्यादा रहता एज कंपेयर टू, है ना, सॉल्यूशन. मीन्स यहां पर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता. सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहने के बेसिस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, है ना? अब सोचो आप, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर है? और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाता, वो हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़ लिए, ठीक है ना? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर वन समझ में आ गया. हाँ, सेकंड एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस इथेनॉल. बेंजीन प्लस इथेनॉल, देखिए बेंजीन इथेनॉल. अब यहां पर क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये समझाता मैं आपको, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाऊंगा. एग्जांपल याद रखने का, सेकंड एग्जांपल क्या, मान लीजिए, अच्छा उधर का नोट किया गया आपने, ठीक है? देखिए मान लीजिए यहां पर हमने यूज किए बेंजीन प्लस इथेनॉल. क्या यूज किए? बेंजीन और इथेनॉल. बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80.1 डिग्री सेल्सियस. ये याद ही रखना है आपको, थोड़ा एक मेथड समझ में आता है ना बस. और इथेनॉल का कितना है ये लिखा है इधर मैंने, 78.37 डिग्री सेल्सियस. सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहां लिखे हमने 67.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? अब यहां पर दोनों को हमने कंबाइन की, किसको? बेंजीन को और इथेनॉल को. बेंजीन और इथेनॉल, तो इसमें बेंजीन प्रेजेंट है 67.6%, तो ये कितना बचा? 32.40%, बराबर है ना? 67.60% और ये कितना है? 32.40%. इससे कोई लेन देन नहीं, कंपोजिशन याद है तो रखने से छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन याद रखना क्या, यहां पर इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है कंपोनेंट से कम है, क्योंकि यहां पर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 80.1 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.37 डिग्री सेल्सियस. कंसेप्ट समझ में आएगा आपको. थर्ड देखिए, थर्ड है यहां पर वाटर प्लस पाइरिडीन. क्या है? वाटर प्लस पाइरिडीन. पाइरिडीन का बॉइलिंग पॉइंट है 115 डिग्री सेल्सियस और वाटर का तो सभी को याद रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? क्या हो गया, क्या यहां पर हमने सॉल्यूशन तैयार किया, है ना, वाटर और पाइरिडीन. क्या क्या बताइए? वाटर और पाइरिडीन, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा, कंपोजिशन में आपको बताया था क्या, इसमें वाटर यूज किया हमने 43% और ये कितना बचा फिर? 57%, ठीक है ना? देखिए क्या यहां पर वाटर का और पाइरिडीन का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था और पाइरिडीन का 115 डिग्री सेल्सियस था. लेकिन जब हम इनको कंबाइन किए, है ना,
इसने तैयार किया एजोट्रॉपिक मिक्सचर और इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम हो गया है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया एज कंपेयर टू कंपोनेंट्स, ये बराबर है। तो यहाँ पर कितने परसेंट आपको पाइरीडीन यूज करना पड़ेगा और वाटर कितने, तो यहाँ पर वाटर यूज करेंगे हम 38% और पाइरीडीन यूज करेंगे 57%, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लेस है एज कंपेयर टू वाटर, बराबर है। मीन्स देखिए इस पर से क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ सॉल्यूशन, वही पॉइंट जो मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करवा के दे रहा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल देखिए आप इसकी, एसिटिक एसिड इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और टोलिन का बॉइलिंग पॉइंट है, टोलिन ये है 110.6 डिग्री सेल्सियस, दोनों को हमने कंबाइन किए, तो यहां पर एसिटिक एसिड और टोलिन इसका मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर ये यूज करेंगे 28%, तो ये कितना बचा फिर यहां पर 72%, ठीक है ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा मिक्सचर का 105 डिग्री सेल्सियस। देखिए ध्यान से मैं क्या चीज बता रहा हूं आपको, ये चार एग्जांपल है, एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्या एग्जांपल नंबर वन, इथेनॉल प्लस वाटर, बराबर है, काई की एग्जांपल है, कौन सा डेविएशन बताया गया, पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड ये वाला बेंजीन प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस पाइरीडीन, ये समझा दिया। एक लास्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड है ना प्लस टोलिन, क्या बताइए, एसिटिक एसिड प्लस टोलिन, तो हमने क्या यूज किया, एसिटिक एसिड इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताइए, 118.1 डिग्री सेल्सियस, और टोलिन का है 110.6 डिग्री सेल्सियस, बराबर। दोनों को मिक्स अप किया हमने, मिक्स करने पर यहां पर सॉल्यूशन तैयार हो गया एसिटिक एसिड और टोलिन, तो एसिटिक एसिड इसमें प्रेजेंट है 28% और टोलिन प्रेजेंट है 72%। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया कि यहां पर हम कंपोजिशन फिक्स अमाउंट में यूज किए, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन अमाउंट ऑफ कंपोजिशन, सो द बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर इज 105 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहां पर हमारे को रिजल्ट क्या मिला कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये कम था एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। फील हो गया टॉपिक आपको पक्का, एक एक पॉइंट ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अगला, ठीक है ना, सेकंड टाइप कौन सा है इसका, सर सेकंड टाइप है इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर, तो थोड़ा सा हम इसको चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ओके सर, देखिए मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहां पर यूज किया वाटर और यहां यूज किया नाइट्रिक एसिड, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 83 डिग्री सेल्सियस, इसका है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, और दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, बॉइलिंग पॉइंट है 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इसमें क्या रिजल्ट मिला हमारे को, क्या वाटर और HNO3 है ना, HNO3 यूज करेंगे हम 68%, समझाना है हमारे को ध्यान से, ये कितना बचा 32%। देखिए क्या हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्यूशन है हाई बॉइलिंग पॉइंट देन कंपोनेंट्स, एग्जांपल नंबर वन फील होगा आपको, क्या यहां पर देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रिक एसिड का कितना है 83 डिग्री सेल्सियस, दोनों को हमने कंबाइन किए, दोनों को कंबाइन करने पर क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप्ड हो रहा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप्ड होगा कौन सा बॉन्ड सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप्ड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज लेस देन फोर्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता, सो वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
बराबर है। इस बेसिस पर हम आपको ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू कंपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट 100 और 83 डिग्री सेल्सियस था और सॉल्यूशन का है 125.5 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। और कंपोजिशन देखिए आप, केस में हमने वाटर यूज किया 32% और HNO3 यूज किया हमने 68%। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ने कंडीशन ये बताया कि विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, क्या यहां पर हमारे को कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं करना है। समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, हाँ सेकंड एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इसका बॉइलिंग पॉइंट है 62.1 डिग्री सेल्सियस प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस, दोनों का हमने कंबाइन किए क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, और एसीटोन का मिक्सचर बन गया क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट इसका आइसोमर कर लो 65 हो जाएगा, बराबर है ना। और कंपोजिशन में देखिए आप, क्या मैंने यहाँ पर यूज किया था एसीटोन 20%, तो ये कितना रहेगा 80%। इससे क्या देखिए, यहाँ पर थोड़ा आप ऑब्जर्व करो, कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म का 62.1 है और एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस, बराबर है देखिए, और दोनों मिलाकर के तैयार हो गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 65 डिग्री सेल्सियस, बराबर है ना। तो इधर से इधर जाने पर मतलब यहां पर सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे को पता है कि ये क्लोरोफॉर्म है ये देखिए, और ये एसीटोन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, Cl बॉन्ड, CCl बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड H, ठीक है, बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बराबर है। तो यहां पर हम क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे 80% और एसीटोन यूज करेंगे 20%, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मोर रहेगा एज कंपेयर टू, है ना, कंपोनेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका लेस रहेगा। समझ में आ गया। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर थर्ड, एसिटिक एसिड प्लस पाइरिडीन, है ना, कितना है पाइरिडीन का बॉइलिंग पॉइंट, एसिटिक एसिड का तो 118.1 डिग्री सेल्सियस है और इसका है 115, है ना, डिग्री सेल्सियस पाइरिडीन, याद है ना। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन तैयार हो गया एसिटिक एसिड और पाइरिडीन, एसिटिक एसिड और पाइरिडीन, क्या होगा इसमें, क्या इसमें हम यूज करेंगे 35% और ये होगा 65%, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 139 डिग्री सेल्सियस। समझाता हूं आपको, देखिए यहां पर हमने एसीटोन और पाइरिडीन यूज किए, दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने पर दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, सो वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स, देयरफॉर इट शोज द नेगेटिव डेविएशन। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा डेविएशन बताएगा, नेगेटिव डेविएशन, याद रखेंगे आप, इसके एग्जांपल थे, मोर देन सफिशिएंट हम एग्जांपल ले लिए, एक है लो बॉइलिंग, है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये टॉपिक तुम्हारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना, डिफरेंशियल समझ में आ गया। द सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या फिर एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉर्म, बराबर है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कौन सा वाला सॉल्यूशन तैयार करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बाय।